हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, कानपुर से मैंने राइड शुरू की थी और पूरी रात हमने राइड की है, पूरा दिन राइड की है और सुबह मैं कुरुक्षेत्र में हूं और ऐसी जगह पर रुका हूं कि जहां पर कोई होटल भी नहीं है कि जिससे हम लोग चाय पी सके, और हम लोग सनराइज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि सनराइज़ जब यहाँ से हो तब उसके बाद में हम निकले फिर आगे की तरफ। और दोस्तों, हमने पूरी रात इसलिए राइड की कि हम लोग जितना रास्ता कवर कर सकते हैं कर लें और जितना जल्दी हम लोग पंजाब क्रॉस कर दें वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर सनराइज़ के इंतज़ार में हम लोग रुके हैं, सनराइज़ हो जाए उसके बाद में फिर निकले। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल, आप देख रहे हैं राइडर UP 47। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलते हैं और वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सनराइज़ हो चुका है, बहुत खूबसूरत सनराइज़ हुआ है, यहाँ से बहुत प्यारा दिख रहा है। और ये हमारे अमर भाई हैं, ये भी अपना वीडियो शूट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हम लोग इस हाईवे पर खड़े होकर, हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है, सामान सब लदा हुआ है। तो यहाँ पर रुककर थोड़ा सा हम लोग इंजॉय कर लें, उसके बाद में थोड़ी देर में यहाँ से हम लोग निकलते हैं। अब ये राइड हमारी कहाँ पर जाकर रुकेगी ये हम अभी कुछ नहीं बता सकते, बस आप लोग हमारे वीडियो से बने रहिए और पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों और फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हम आप सबको हम थोड़ा सा कुरुक्षेत्र का नज़ारा दिखा दें, काफ़ी खूबसूरत व्यू है और बहुत अच्छा लग रहा है मॉर्निंग के टाइम, सुबह ये आप देख सकते हैं। हम लोग इस जगह पर काफ़ी देर से खड़े हैं, काफ़ी टाइम से खड़े हैं। तो अब यहाँ से फिर हमारा राइड शुरू होता है और हम लोग चलते हैं और देखिए अगला डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा। अभी तक हमने 50 किलोमीटर की राइड की है और यहाँ से लुधियाना करीब अभी 100 किलोमीटर है। आगे और मज़ा आने वाला है, काफ़ी खूबसूरत व्यू आने वाला है। और ये कुछ राइडर जो मुझे क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि भाई अभी थोड़ा आराम आराम से चलना है, कोई जल्दी नहीं है, पूरी दिन राइड करना है। अब जहाँ तक हम लोग चल पाएंगे वहाँ तक हम चलेंगे और उसके बाद में फिर वहीं पर स्टे कर देंगे, क्योंकि रात में बाइक चलाना काफ़ी नुकसानदेह है। तो लुधियाना यहाँ से करीब अभी हमारा 80 किलोमीटर होगा। तो चलते हैं और रास्ते में हम कहीं मुलाकात करते हैं आपसे। मुझे दिखाना है वो, हमने बाइक में फ्यूल कानपुर में करवाया था और आगे कोई पेट्रोल पम्प मिल जाए तो हम गाड़ी में फ्यूल करवा लें, और शायद पेट्रोल पंप ही मिल गया मुझे, तो यहाँ पर हम रुककर बाइक में फ्यूल करवा लें उसके बाद में फिर चलते हैं। फुल कर दीजिए, सिंपल वाला। अरे यही डालिए ना, 70 वाला, फ़ायदा क्या है, उससे थोड़ी ज़्यादा ओवरेज कर देगा। चलते हैं और देखते हैं कहीं रास्ते में रुककर थोड़ा सा आराम कर लें, काफ़ी थक चुके हैं हम लोग, पूरी रात नहीं सोया है इसी की वजह से थकावट आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग रुककर आराम कर रहे हैं, देखिए फुटपाथ। दोस्तों, लुधियाना हम क्रॉस कर चुके हैं और लुधियाना का वीडियो हम इसलिए नहीं दिखा पाए और आगे चलकर हम बताते हैं लुधियाना में क्या हुआ था मेरे साथ। और यहाँ पर सरदार लोगों ने रास्ते में आते जाते लोगों को पानी का मुहिम चला रहे हैं, शरबत वगैरह, तो यहाँ पर हम लोग भी रुककर थोड़ा शरबत पानी पी रहे हैं और उसके बाद में तो फिर यहाँ से निकलते हैं। इस टाइम पंजाब में हर जगह ये नज़ारा देखने को मिलेगा आप लोगों को।
दरअसल हम यहाँ पर रुके हैं चाट खाने के लिए, फुल्की खाने के लिए, क्योंकि रास्ते में हम लोगों ने कहीं कुछ खाया पिया नहीं था। सुबह नाश्ता करके और उसके बाद में हम लोग निकल लिए थे, तो भूख लगी है, तो हम लोगों ने सोचा कि लाओ यहाँ पर फुल्की और चाट खा लें, उसके बाद में फिर निकलते हैं। तो देखिए फुल्की और चाट के कॉर्नर पर हम पहुँच चुके हैं, यह है दुकान। तो यहाँ पर पहले फुल्की खा रहे हैं, उसके बाद में फिर चाट खाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो हमारा फुल्की और चाट हो गया, हम लोगों ने खा लिए और फिर अब यहाँ से बच गए। तो यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे और करीब 4:30 बज रहा है, और यहाँ से अभी समझ लीजिए कि पठानकोट करीब 100 किलोमीटर लगभग है। ये पठानकोट है भाई, आप देख सकते हैं, और काफ़ी बड़ा शहर है। तो दोस्तों आप लोग ये सब देख सकते हैं, और यहाँ से अब हम मुझे निकलना है जम्मू के लिए, और अभी काफ़ी टाइम है, करीब 7:30 हो रहे हैं, अभी शायद 7:30 हो रहे हैं। तो यहाँ से हम निकलेंगे जम्मू, और जम्मू यहाँ से 100 किलोमीटर है। सोचा था मतलब पठानकोट में ही स्टे करते हैं आज रात में, आराम करें, 3 दिन हो गया नहाए नहीं है, कपड़ा नहीं चेंज किए हैं, पूरा बदन भारी लग रहा है हम लोगों का, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, घर पे होते तो कोई बात ही नहीं था। ओके दोस्तों, हमारी बाइक वहाँ पे खड़ी है, आप देख सकते हो वो। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं पठानकोट से, और मुझे अब रात भी हो गई है, और रात में हम आपको क्या दिखाएं, काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ का, टनल भी है लोग बता रहे हैं, लेकिन अब रात होने की वजह से समझ लीजिए कुछ दिखा नहीं पाते हैं। और हाँ, हम आपको बता दें कि लुधियाना में हमारे साथ क्या हुआ था। लुधियाना में हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, हम बाइक चलाते चलाते सो गए थे बाइक पर, और इस तरह से हम लोग गिरे कि डिवाइडर के एकदम करीब गिरे। अगर हम लोगों के पास हेलमेट या एल्बो गार्ड वगैरह ना होता, सेफ्टी गियर ना होता, तो शायद हम लोगों का बहुत बुरा हाल हो जाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों को कहीं खराज तक नहीं आया और हम लोग एकदम सही सलामत हो गए। सिर्फ बाइक का जो साकर था, वो साकर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो वही कुछ राइडर आए लुधियाना के, तो वो लेकर गए बाइक को हमारे, सही करवाया। और एक गुरुद्वारा था, उस गुरुद्वारे में हम लोगों ने आराम किया, करीब 2.5 से 3 घंटा तक आराम किया। तो दोस्तों हम इसकी कहानी फिर आगे किसी और वीडियो में बताएंगे। तो जम्मू हम इंटर कर चुके हैं, और देखते हैं कहां पर मुझे होटल मिलता है। काफ़ी रात हो चुका है, करीब 11:30 बज चुके हैं। रात में बाइक चलाना भी दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग आज ये दूसरा रात है, हम लोग सोए नहीं हैं, नींद काफ़ी आ रही है, तो सोच रहे हैं कि कहीं पर होटल अगर जल्दी मिल जाता तो हम लोग आराम से सोते, आराम करते। लेकिन अमर भाई हमारे बता रहे हैं कि इनका कोई दोस्त है, इनका दोस्त नहीं है, जो ये जिस ग्रुप में राइड कर रहे हैं उस ग्रुप का एक दोस्त है यहाँ पर, तो वो अभी आ रहे हैं कुछ देर में, तो वो आएंगे, उसके बाद में फिर हम लोगों को लेकर जाएंगे। और काफ़ी देर के बाद में इतनी रात को हम कैसे और क्या करें, अभी फ़ोन आया था उनका कि आप लोग गांधीनगर पहुंचिए, गांधीनगर हम आपको रिसीव कर लेंगे गांधीनगर से, और किससे पूछे कि गांधीनगर कहां पर है, तो चलते हैं और ढूंढते हैं।
हाय दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रात को मैं यहाँ पर 12:30 बजे पहुँचा हूँ और ये एक लुधियाना के जो क्लब मेंबर थे हमारे अमर भाई के, उनके दोस्त थे, तो उन्हीं की वजह से मतलब हम लोग आज यहाँ उनके दोस्त के यहाँ रात को स्टे किया था, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे थे तो सारे होटल बंद हो चुके थे और कोई मतलब हम लोगों के सामने रास्ता नहीं था, तो इसलिए हम लोग इनके घर पे स्टे किया और यहीं पे हमने आराम किया। फिर उसके बाद में यहाँ से हम लोग आज निकलेंगे सुबह, अभी करीब बज रहे हैं 8:30, अभी कोई तैयारी नहीं कर पाया हूँ, सारे सामान हमारे बिखरे पड़े हुए हैं, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, चलिए। और ये रूम है, जहाँ पे हमने स्टे किया था। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके दोस्तों, गुड बाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।